नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रंजीत चहल आप सभी का स्वागत करता हूं TRC मीडिया चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कला में नौरस। जी हां, कला में नौरस होते हैं, और अगर आप एक उम्दा कलाकार बनना चाहते हैं तो आपको इन नौरसों के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इन नौरसों के बारे में जान गए, इनको अपने अंदर ग्रहण कर लिया, तो आप समझिए आप एक उम्दा कलाकार कहलाएंगे, और बड़े से बड़े कलाकार के सामने कभी भी अपने आप को अनफिट, नर्वस कभी महसूस नहीं करेंगे। तो आइए दोस्तों, ये कला में नौ रस कौन कौन से होते हैं। नंबर पहला है श्रृंगार रस। दोस्तों, श्रृंगार रस में भी दो रस होते हैं, एक होता है संयोग रस और दूसरा होता है वियोग रस। दोस्तों, संयोग रस वो होता है, मान लीजिए हम किसी फ्रेंड के साथ में डेट कर रहे हैं और उस दौरान हमारे शारीरिक संबंध हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं संयोग रस। और वियोग रस होता है, मान लीजिए हम किसी दोस्त को बहुत प्यार करते हैं, और वो हमारे पास है नहीं है, बहुत दूर है, उसे कहते हैं वियोग रस, यानी कि जुदाई वाला प्यार, उसे कहते हैं वियोग रस। और उसके भी छोटी छोटी डिटेल्स है, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी मोटे तौर पे मैं आपको ये नौ रसों के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद में दोस्तों आता है, नंबर सेकंड पे आता है अद्भुत रस। जी हाँ, आश्चर्यजनक, जब आपके सामने कोई ऐसी चीज़ अचानक आ जाती है कि आपने वो कभी देखी नहीं हो, जैसे मान लीजिए आपके सामने अचानक से एलियन आ गया, तो आपका सरप्राइज लुक, हैरानगी भरा जो लुक होता है आपके चेहरे पे, उस टाइम पे जो भाव आते हैं, उसे कहते हैं अद्भुत रस। जी हाँ, अद्भुत रस। नंबर तीन पे है रोधर रूप, यानी कि एंगर, गुस्से वाला रूप। जब आपके प्रिय के साथ में, जब आपके किसी प्रिय व्यक्ति के साथ में कोई आदमी धोखा करता है, उसके साथ में गलत व्यवहार करता है, या उसके साथ में कुछ ऐसा करता है जो आपको पसंद नहीं है, तो उस टाइम पे आपके चेहरे पे जो रिएक्शन आएगा, जो भाव आएंगे, उसे कहते हैं रोदर रूप, यानी कि गुस्से का रूप। नंबर चार पे है दोस्तों हास्य रस। हास्य रस होता है हंसाने वाला रस, कॉमेडी। दोस्तों, अगर आप समाज के अंदर कोई एक्ट कर रहे हैं, या आप समाज के अंदर कुछ बातें कर रहे हैं, और उन एक्ट और बातों को देखकर समाज के लोग हंस रहे हैं, तो उसे कहते हैं हास्य रस। ये हाँ, हास्य रस। नंबर पाँच पे है दोस्तों वीर रस। जी हाँ, वीर रस। दोस्तों, वीर रस में भी तीन रस होते हैं, एक दानवीर होता है, एक धर्मवीर होता है, एक युद्धवीर होता है। दोस्तों, किसी की मदद करने के लिए, या किसी को ललकारने के लिए, या किसी सत्य बात पे अटल रहने के लिए जो साहस चाहिए, उसे कहते हैं वीर रस। जी हाँ, ये साहस को वीर रस कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों, नंबर छः पे है भयानक रस, फियर रस, यानी कि भयानक, डरावना। दोस्तों, जब हमें किसी बुरी चीज़ का ख्याल आता है, या कुछ बुरा होने की शंका होती है, या हमें ऐसी कोई चीज़ दिख जाए जिसे हमें बहुत ज़्यादा डर लगता हो, तो उस दौरान जो हमारे चेहरे पे जो भाव आते हैं, उसे कहते हैं भयानक रस, यानी कि फियर। जी हाँ, उसे कहते हैं भयानक रस। तो दोस्तों, उसके बाद में आता है, नंबर सेवन पे आता है विभत्स रस। जी हाँ, डिस्कस्ट, यानी कि घृणित। ये वो रस होता है, मान लीजिए हम किसी इंसान को देखते हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं, या हमारे आसपास ऐसा एक्ट हुआ है जिससे कि हमको घृणा आती है, जैसे मान लीजिए किसी ने उल्टी कर दी, ऐसा हम अपनी नाक को सिकोड़ेंगे, तो उसे कहते हैं विभत्स रूप, विभत्स रूप। दोस्तों, नंबर आठ पर है पीस, शांत रस, यानी कि पीस। दोस्तों, जब आपको
भगवान के असली रूप का ज्ञान हो जाता है, यानी कि आपका जीवन वैराग्य हो जाता है, ना किसी से द्वेष, ना किसी से दुख, ना किसी से मोह, मोह माया त्याग दी जाती है, संसारिक जो चीज़ें हैं उनसे त्याग हो जाता है, मन शांत हो जाता है, किसी प्रकार का लोभ लालच आपके मन में नहीं होता है। उस दौरान जो आपके भाव चेहरे पे जो भाव आते हैं उसे कहते हैं शांत रस, यानी कि पीस। नंबर 9 पर है दोस्तों करुणा रस, यानी कि सैडनेस। जब आपका कोई प्रिय व्यक्ति, आपका प्रिय दोस्त या आपका बहुत करीबी रिलेटिव या आपके मदर फादर, किसी की डेथ हो जाती है या कोई आपका दिल को चाहने वाला दोस्त बिछड़ जाता है, उस समय जो हमारे चेहरे पे दर्द के भाव आते हैं उसे कहते हैं करुणा रस। दोस्तों ये 9 रस है, कला में 9 रस अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिए तो आप एक उम्दा कलाकार बनेंगे। दोस्तों ये 9 रसों के बारे में और भी बहुत बारीकी डिटेल होती है, लेकिन मैंने डिटेल में आपको नहीं बताया है, मोटे तौर पर बताया है। आप अगर और पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में और ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों ये थे कला के 9 रस। एक कलाकार को कला में 9 रस को अच्छी तरह से सीखना चाहिए। अगर एक कलाकार कला में 9 रसों को अच्छी तरह से सीख लेता है, पढ़ लेता है, अपने अंदर उतार लेता है, तो वो कलाकार बॉलीवुड के लिए तैयार हो जाता है। अगर आपने ये 9 रस सीख लिए हैं तो आप बॉलीवुड के लिए टेक ऑफ करने के लिए रेडी हो। आप बॉलीवुड में किस तरह से टेकअप करोगे, कैसे आप बॉलीवुड में जाओगे, या आप अपने घर पर अपने शहर में रहकर भी बॉलीवुड में कैसे अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, वो छोड़े बगैर किस तरह से आप बॉलीवुड के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन, यानी कि आप अपनी पहुंच बना सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों इससे पहले मैंने 3 एपिसोड बनाए हैं इसी सब्जेक्ट पे, कलाकार और उसका करियर पर, तो जिसने भी नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो एपिसोड आप देख लीजिए, तो आपको आगे के एपिसोड समझ में आएंगे। और किस तरह से आपको बॉलीवुड में प्रेजेंटेशन देनी है, कैसे आपको बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में अपने आप को दिखाना है, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगा। दोस्तों वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना हो इसके लिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने कमेंट्स देना, अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट्स देना, बुरा लगे तो भी देना, क्योंकि आपके कमेंट्स के हिसाब से मुझे सीखने को मिलेगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ आप मेरी मदद भी कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद।